क्रिकेट के दिग्गज हुए ढेर, साहा बनकर आए शेर, सॉन ने मचाया हाहाकार, दाग दिए गोल पूरे चार, लैंपार्ड के चमकते सितारे 2-0 से हारे। नमस्कार, मेरा नाम अर्शदीप खुराना है और मैं स्पोर्ट्स मॉडल से हूँ। मेरे साथ रजत हैं और वैभव है। यहाँ पर हम गेम वीक 3 का प्रीव्यू और गेम वीक 2 का रिव्यू लेकर आए हैं। जैसे कि हमने बात की कि यूनाइटेड के दिग्गज हुए ढेर, अगर हम यूनाइटेड की बात करें, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था और हमारे प्रेडिक्शंस के बिल्कुल विपरीत था। तो मैं बात करना चाहूंगा रजत आपसे कि ऐसा क्या हुआ यूनाइटेड को जो वो एकदम फिसड्डी हो गए और क्रिस्टल पैलेस के सामने घुटने टेक दिए, क्या हुआ ऐसा? व्हाट इज योर ओपिनियन? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा एज अ यूनाइटेड फैन मैं काफी दुखी हुआ उनका प्रदर्शन देख के, लेकिन साथ ही साथ रॉय हॉडसन को और उनकी टीम को दाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने जो भी हमारी वीकनेसेस थी और जितना भी हम अंडर प्रिपेयर्ड लग रहे थे उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। मुझे जो मेन चीज लगी वो ये लगा कि जो भी 50-50 बॉल्स थे जिसके ऊपर अग्रेशन दिखाने की जरूरत थी, यूनाइटेड ने वहाँ पूरा एफर्ट नहीं दिया। सेकेंडली, सॉल्सगेयर ने जो स्टार्टिंग लाइनअप खिलाया, आई थिंक उसमें काफी प्लेयर मुझे ऐसे लगे जिनका थोड़ा सा मैच फिटनेस और उस समय की जो इंटेंसिटी थी वो काफी कम थी। तो शुरू में ही आप देखिए कि 7वें-8वें मिनट में ही क्रिस्टल पैलेस ने अटैक किया और जेफरी श्लप ने जो क्रॉस किया है उसमें विक्टर लिंडलॉफ का आप देखेंगे तो उनको ऐसे छोटे बच्चे की तरह साइड करके ले गए वो बॉल को, और जिस क्रॉस के होने की वजह से पहला गोल हुआ जिसके बाद से यूनाइटेड प्रेशर में आ गया। और फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ के एंड पे भी डेविड डेहिया ने अगर वो सेव नहीं किया होता आंड्रे आयू के शॉट पे, तो यूनाइटेड हाफ टाइम में 2 गोल से पीछे होता हुआ हाफ टाइम पे जाता। सेकेंड हाफ में भी सेम स्टोरी रही, जब पॉल पॉगबा को सब्स्टिट्यूट किया उसके बाद ही डॉनी वैन डर बीक जो हमारे डेब्यूटेंट थे उस दिन के, उनके आने से ही गेम के अंदर थोड़ी सी यूनाइटेड की पासिंग में और यूनाइटेड की जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके अंदर थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया, वरना तो पैरेलल पासेस और बैक पासेस में ही गेम चल रहा था। और आप फिर से देखिए क्रिस्टल पैलेस ने, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 29% पोजेशन के साथ पहला मैच जीता था, पर इस बार तो 24% पोजेशन से यूनाइटेड के अगेंस्ट वो जीत के गए हैं मैच को, और जिसके अंदर उन्होंने 3 गोल भी दागे हैं। तो मेजरली बात कहने का मतलब ये है कि जब भी उनको बॉल मिली है तो बॉल उन्होंने आगे बढ़ाया है, मीनिंगफुल पासिंग करी है, एंड दे हैव अटैक्ड द यूनाइटेड गोल सीइंग दैट यूनाइटेड आर अंडर प्रिपेयर्ड एंड नॉट विलिंग टू गो फॉर 50-50 बॉल्स। आप देखिए रजत जी, जो आप कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो लेफ्ट फ्लैंक था जहां पर आपके रैशफोर्ड और स्पेशली लुक शॉ एकदम स्टैटिक, आई हैव नेवर सीन सच अ स्टैटिक लेफ्ट बैक प्लेइंग फॉर अ टीम लाइक यूनाइटेड एंड ही वाज इजीली बाईपास्ड। आई मीन, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? व्हाई इट हैपेंड? वर यू हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ लुक शॉ? आज देखिए स्पेसिफिकली मैं फर्स्ट मैच था क्योंकि सीजन का तो किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहूंगा, बट लुक शॉ ऑलवेज अंडर द स्कैनर रहे हैं यूनाइटेड के लिए, काफी समय से खेल रहे हैं, बट हाँ ही हैज दैट पोटेंशियल, बट कभी उस पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाए हैं। तो यस, यू आर राइट इन पॉइंटिंग आउट लुक शॉ, बट आई थिंक द एंटायर डिफेंस लाइन इज एट फॉल्ट हियर। हैरी मैग्वायर से लेके लिंडलॉफ से लेके आप किसी को भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा जील मुझे डिफेंस में नजर नहीं आई है, और 50-50 बॉल जैसे मैंने मेंशन किया उसकी तरफ कोई बढ़ने को राजी नहीं था। तो ये स्कोर लाइन एक्चुअली यूनाइटेड के लिए और भी खराब हो सकता था। आई थिंक देयर वाज वन सिचुएशन जहाँ पे विल्फ्रीड ज़ाहा बॉल को लेके गोल की तरफ चले गए थे और उन्होंने एक्चुअली बॉल को नेट पे भी डाल दिया था, पर वो ऑफसाइड सिचुएशन में थे। अब वहाँ भी देखिए तो हैरी मैग्वायर वाज लुकिंग एट द लाइन्समैन टू यू नो रेज द फ्लैग, जबकि अब उनको पता है कि विद इन द न्यू रूल्स, विद इन द न्यू ऑफसाइड रूल्स, दे डोंट हैव टू वेट फॉर द लाइन्समैन, मैच तो पूरा आपको उस टाइम पे खेलना ही है। तो आई थिंक रेडी नहीं लगे मैग्वायर, जो उनका इंसिडेंट हुआ था रोम में, आई थिंक उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस में लग रहे थे। बट ऑल इन ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट क्रिस्टल पैलेस, मैनचेस्टर की टीम्स के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड पिछले 5 मैचेस में वो हारे नहीं है, जब भी सिटी में आ रहे हैं तो दे आर परफॉर्मिंग वेल, वेदर इट इज अगेंस्ट अस और अवर नेबर्स मैनचेस्टर सिटी। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, बट यूनाइटेड के लिए बस एक बात कहना चाहूंगा, यू विल सी अ मच इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम देम इन द नेक्स्ट। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको वो गेम देखकर कैसा महसूस हुआ और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या लिवरपूल ने किया जो चेल्सी उनके खिलाफ एक भी गोल नहीं कर पाया? महसूस होने की बात है तो ऑलवेज फील गुड यू नो दैट लिवरपूल विन द गेम, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक लाइक अ यू नो लिवरपूल फैन हियर। आई विल ट्राई टू जस्ट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल पार्ट्स फॉर आवर ऑडियंस। एक क्रिटिकल असेसमेंट करूंगा चेल्सी के लाइनअप के बारे में। सो चेल्सी हैज असेंबल्ड अ यूनिट, राइट? वी सेड दैट दे हैव गॉट अवेंजर्स इन देयर स्क्वाड एंड दे विल प्ले देयर ओन रोल्स। अभी वो चीजें जो है वो निकल कर धीरे धीरे सामने आनी शुरू हुई है, एंड इट हैज स्टिल नॉट जेल्ड वेल फॉर लैम्पार्ड, व्हिच आई फेल्ट फॉर काई हावर्ट्स।
So Kai Havertz was unfortunate only to play for 45 minutes because of that unfortunate incident where, you know, they had to substitute him to get a defender in place of Christensen. Kai Havertz जिस position पे वो खेल रहे हैं, पिछले game में Lampard ने उन्हें right wing पे खिलाया, आज उन्होंने उसे number 10 position में खिलाया, but वो शायद अभी तक वो अपने जो price tag को live up नहीं कर पाए हैं, so it's too early, we should not make comments, but Chelsea शायद एक वो अभी settled team की तरह नहीं खेल पा रहे हैं, although in that game अगर आप देखेंगे तो Werner tried hard, but again उनका वो एक Drogba या जो Torres वाला एक role होता था, जो एक number 9 वाला role, वही उनको खेलना पड़ा विदाउट सप्लाई. सो Drogba यूज टू गेट सप्लाई एंड Torres व्हेन यूज टू प्ले फॉर लिवरपूल यूज टू गेट सप्लाई, उनको सप्लाई नहीं मिल रहा था. एंड दैट इज व्हाट दैट एंड द डिफरेंस आई थिंक हियर वाज बिकॉज द मिडफील्ड वेयर हेंडरसन Fabinho एज अ डिफेंडर आई वुड से वन ऑफ हिज बेस्ट गेम्स दैट आई हैव एवर सीन हिम प्ले एंड एज अ डिफेंडर फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्टार्टेड द गेम एज अ डिफेंडर. उसके अलावा Wijnaldum जैसे वो होते हैं ना एक मेहनती आदमी जो लगा रहता है, so he did his job very well. And I think Naby Keita played a good role. And then we also saw glimpses of Thiago Alcantara in that game, right? So a lot of hype was created around Thiago Alcantara when Chelsea Liverpool game was, you know, so just a day before he was unveiled as a Liverpool player. So Liverpool की अगर मैं बात करूँगा, अगर उसमें कुछ highlights रहे हैं तो defense was very strong. Fabinho led the way. Alexander Arnold after the first game मुझे लगा वो काफी solid थे इस बार right back पे. उनका गेम उनका और रॉबर्टसन के बारे में जितना ज्यादा बोले मतलब जितनी कम तारीफ उसकी जितनी ज्यादा तारीफ करें उतनी कम है उनके लिए बिकॉज ही जस्ट कीप्स ऑन रनिंग और वो एक सप्लाई लेफ्ट साइड पे हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं इट इज ऑलवेज रनिंग एंड देन द फ्रंट थ्री क्लिक्ड वेल. पहला गोल जो आपने देखा होगा यू नो द वे Firmino एंड साला इंटरचेंज बॉल्स एक्सचेंज बॉल्स एंड देन यू नो Firmino क्रॉस द बॉल टू Mane एंड Mane का जो वो हेडर था वो दैट वाज अ वेरी क्लासी गोल राइट आई थिंक वेरी इंप्रेसिव द फर्स्ट गोल. और उसके बाद फिर Mane अगेन एक 70 मिलियन मिस्टेक दैट चेल्सी कमिटेड पीपल आर टैगिंग केपा एज अ मिस्टेक. देखिए मैंने लास्ट गेम वीक के प्रीव्यू में क्या बोला था आपको, जब मैंने ये गेम प्रीव्यू किया था आई सेड दैट चेल्सी इफ दे वांट टू रियली विन ट्रॉफीज इफ दे रियली वांट टू कम्पीट फॉर दैट टॉप टू और थ्री स्पॉट्स दे नीड टू गेट अ बेटर कीपर. केपा में वो क्वालिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं है. पहले हम कहते हैं कि वो एलिमेंट्री मिस्टेक्स थे लेकिन जब वो मिस्टेक्स बार बार होने लगे तो हम उसको हैबिट बोलते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा ग्लेरिंग एरर है. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा क्लब अभी भी एक ये वाली पोजीशन कैसे सॉर्ट नहीं कर पाया. आई थिंक लिवरपूल और चेल्सी में सबसे बड़ा अंतर आप देखिए तो ऑन फील्ड कामनेस का भी था. तो केपा के मिस्टेक्स के जैसे हमने बात लास्ट वीक भी की थी और हमने ये भी कहा था कि पूरा डिफेंस एक ब्रिटल है, तो वो ब्रिटलनेस जो उनके डिफेंस में थी अब हमें समझ में आता है कि वो थियागो सिल्वा जो है उनका जल्दी खेलना वापस कितना जरूरी है चेल्सी के लिए. अगर ऐसे चलता रहा तो चेल्सी वॉज एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड इन दैट गेम. सो मेरे हिसाब से दिस वॉज द रियलिटी चेक, वो एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था चेल्सी के लिए. सो आज अगर केपा उनके नंबर वन गोलकीपर है उससे पहले Thibaut Courtois had been a great servant for Chelsea, उससे पहले Peter Cech, so you're talking, and उससे पहले Carlo Cudicini, so तीन बड़े दिग्गज गोलकीपर चेल्सी के रहे हैं. उसके बाद में then you replace him with a world's most expensive goalkeeper. So एक करेक्ट. So moving on, I think and Mane ने by the way अपने इंटरव्यू में कहा था कि we were preparing for a mistake against Kepa and we had prepared for that because we know that he had less confidence in that game. So great, all in all a great performance I think from Liverpool. Again you know, positivity around the club with Diogo Jota, Thiago Alcantara joining in the last week. So all in all a great weekend to be a Liverpool fan. Or Son, first Asian player ki jisne 4 goals daage hain and second player after Shinji Kagawa jisne hat-trick kiya as an Asian player. So, even though it looked like कि बहुत ज़्यादा उन्होंने goals किए और बहुत ज़्यादा rampant performance था, this could have been 5-5 even. I think the number of chances that Southampton also created, that was very high in this game also. And had Lloris not been in a very good form, आपको ये score शायद अलग दिखता. तो 1-0 जब उन्होंने lead लिया था, it could have been easily 2-0 also. So
गेम का मोमेंटम सेकेंड हाफ में चेंज हुआ, और इसका अगर मैं आपको टेक्टिकल एनालिसिस की बात करूं दैट हाउ दिस गेम वॉज वॉन, देखिए टॉटनहम 4-3-3 खिलाता है और जो साउथहैम्पटन है वो 4-4-2 पे चलता है. जब टॉटनहम डिफेंड करता है सो दे डिफेंड लाइक 4-5-1 एंड व्हेन दे अटैक इट बिकम 4-3-3. जब 4-5-1 करता है तो व्हाट दे डू इज दे सिट वेरी डीप, एंड इन दिस गेम टॉटनहम सैट वेरी डीप और उन्होंने साउथहैम्पटन को अलाउ किया टॉटनहम ने कि आप आओ हमारे पे अटैक करो. दैट इज हाउ दे एक्चुअली ड्रैग दोज पीपल आउट. और उस वजह से क्या हुआ तो जो इन बिटवीन लाइन हम लोग बोलते हैं कि जहां सॉन खेला, सॉन डिफेंडर्स के इन बिटवीन लाइन में खड़ा रहा हमेशा, और हैरी केन ने क्या किया कि जगह साइट वगैरह में जाके बनाई. अगर आप इस गेम का पैटर्न देखेंगे तो हैरी केन ने विंग्स को यूज करके जगह बनाई असिस्ट देने के लिए, लेकिन सॉन ने सारे रन अपने स्ट्रेट किए. वो स्ट्रेट क्यों किए, क्योंकि डिफेंस बहुत ज्यादा आगे आ चुका था और वो इतना स्प्रेड नहीं था. तो इट वॉज लाइक अ चीट कोड. वो चीट कोड एक्चुअली टॉटनहम ने खोज निकाला था और इस वजह से सॉन ने ये चारों गोल किए. और क्रेडिट टू हैरी केन ऑल्सो, इतने असिस्ट तो वो एक सीजन में करते हैं जितने शायद उन्होंने एक गेम में कर दिए. तो वो चार असिस्ट करना और इट बिकेम काइंड ऑफ अ रेप्लिका ऑफ ईच एंड एवरी गोल, देख के बहुत मजा आया. मोरिनियो की टीम बहुत अच्छे तरीके से खेली, लेकिन मैं इस पे अभी भी एक क्वेश्चन थ्रो करना चाहूंगा बिकॉज आई बिलीव साउथहैम्पटन प्लेड इन द हैंड्स ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर, और अपने डीप बैठने की वजह से जो आगे स्पेस क्रिएट किया उस वजह से टॉटनहम को रिवॉर्ड्स मिले. और अगेन एक 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 फिनिशर का एक एक बहुत बेहतरीन आगे फॉरवर्ड्स का यही फर्क. बट देन एवर्टन हैज बीन विनिंग गेम आफ्टर गेम एंड बेस्ट स्टार्ट दैट दे हैड इन मेनी सीजंस. यार टू गेम्स इन अ रो, कैसा लगा आपको उनका गेम एंड दैट 5-2 परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेस्ट ब्रॉम? एवर्टन के गेम की बात करें, एवर्टन का गेम में कंप्लीट डोमिनेंस था जैसा इनका लास्ट गेम वीक में भी था. और जैसे आपने बात की है कि इनका जो मिडफील्ड है, आई थिंक इनका मिडफील्ड टीम्स को ओवरपावर कर रहा है. अब हम बात करें तो एवर्टन का गेम अच्छा, हम कह सकते हैं कि शायद गिब्स के रेड कार्ड की वजह से वो चीज बेटर हुआ, लेकिन आप अगर आप ओवरऑल गेम देखो तो आपको समझ में आएगा कि एवर्टन ऑलवेज प्लेड ऑन द फ्रंट फुट. और ऐसा लास्ट के 3 साल में सिर्फ दूसरी बार हुआ है दैट एवर्टन हैज वन फ्रॉम कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, दैट इज जस्ट सेकेंड टाइम. और यू वुड बी अमेज्ड टू नो दैट इट हैज नेवर हैपेंड अंडर मार्को सिल्वा. मार्को सिल्वा के टाइम में कभी हुआ ही नहीं कि वो लोग कभी पहले गोल खाने के बाद आज तक वो गेम ही नहीं जीते हो. मतलब कितना बहुत ही ग्लेरिंग स्टार्ट से है. सेकेंडली बिकॉज इनके पास आमिर रोड्रिगेज जैसा प्लेयर है, इनके पास एक पासर है बहुत तगड़ा, इनके पास एक पोजेशन बेस्ड फुटबॉल है. इनके 11 में से 10 खिलाड़ियों ने 80% से ज्यादा सक्सेसफुल पासिंग की है. दैट्स अ वेरी हाई स्टार्ट ऑल्सो. दे हैव नेवर अलाउड वेस्ट ब्रॉम टू गेट इन द गेम ऑल्सो. एंड वेन यू हैव सच अ हाई पोजेशन teams obviously would come out and want to take up the ball. So wo cheez wahan hui nahi. Aur again main baat karna chahunga Dominic Calvert-Lewin, what a start he has got. If you see his game, tremendous. Itne confidence se, itne swag se, itna direct, itna badhiya, itna behtareen khel rahe hain wo ki unka bhi game dekhkar bahut maza aa raha hai. Aur ye English football ke liye ek bahut achhi khabar hai. Lekin main aapko again wahi wali baat kar raha hu ki Everton bhi 3-2 pe nahi ruka ki humne ab 3 goal kar diye. वो 5-2 तक लेके गया एंड दे वर ऑल्सो अटैकिंग. मतलब वो एंड तक अटैक कर रहे थे. तो ये कि एवर्टन में माइंडसेट चेंज कार्लोस एंजेलोटी की वजह से बहुत ज्यादा है. लास्ट सीजन मैनचेस्टर सिटी स्टार्टिंग ऑफ देयर कैंपेन एंड अगेंस्ट वुल्व्स देयर बोगी टीम. रजत यू सॉ द गेम, व्हाट डिड यू मेक आउट ऑफ इट, दैट 3-1 विक्ट्री अगेंस्ट वुल्व्स? देखिए मैं तो बहुत एक्साइटेड था इस गेम के लिए. लेट नाइट मैच था, पूरी तैयारी से मैं बैठा था इस मैच को देखने के लिए. मुझे था कि जैसे आपने वैभव मेंशन किया, बोगी टीम रही है वुल्व्स मैन सिटी के लिए. तो एज अ यूनाइटेड फैन आई वॉज होपिंग फॉर देम टू यू नो गिव सम फायरवर्क्स लास्ट नाइट ऑल्सो. बट जो फर्स्ट हाफ का सिटी का परफॉर्मेंस था, आई थिंक इट्स अ वार्निंग साइन फॉर ऑल द टीम. जिस तरीके से सिटी फर्स्ट हाफ में खेला है, दे लुक अनटचेबल. मतलब उनके आस पास भी बॉल नहीं आ रहा था वुल्व्स की टीम के पास. शुरुआत में ही पहले हाफ में ही 2 गोल से आगे बढ़ गए थे. केविन डे ब्रॉयना, मतलब उस प्लेयर के बारे में जितना कहूँ उतना कम है. आई कॉल हिम द मैजिशियन. मतलब वो बॉल के साथ कुछ भी कर सकते हैं और एकदम नचा देते हैं विरोधी टीम को. तो केविन डे ब्रॉयना का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस.
गेम मैच को पूरा पकड़ में रखा सिटी के, थोड़ी सी भी देर के लिए फर्स्ट हाफ में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वुल्व्स वही टीम है जिसने लास्ट ईयर इतना चैलेंज किया था सिटी को। सेकेंड हाफ में देखिए तो लगता है मुझे न्यूनो एस्पिरितो सांतोस ने जो हाफ टाइम में जो भी बात की होगी वुल्व्स टीम से वो एकदम साफ दिखाई पड़ रही थी। और आई थिंक इट वॉज अ गेम ऑफ टू हाफ, सेकेंड हाफ के अंदर आप एकदम से पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये वही वुल्व्स टीम है जिसको सिटी ने फर्स्ट हाफ में नचा के रखा था। और सेकेंड हाफ में बहुत हावी होकर खेले, चढ़कर खेले, जिस स्टाइल ऑफ प्ले के लिए वुल्व्स जाने जाते हैं उस तरीके से खेले, और उन्होंने अपना एक गोल वापस भी लिया जिससे पहले उनको दो तीन चांसेस थे। तो आई थिंक बिफोर दे स्कोर्ड वन दे कुड हैव स्कोर्ड वन और टू इजीली। तो वो स्कोर लाइन जो हमें आखिरी में 1-3 का दिखा, दैट कुड हैव बीन इवन 2-2 और मे बी 3-3। तो जितना स्कोर लाइन में डिफरेंस दिख रहा है आपको 3-1 का, वैसा मैच था नहीं। मतलब दो हाफ का मैच था जिसमें सिटी ने फर्स्ट हाफ जरूर डोमिनेट किया, लेकिन सेकेंड हाफ ने वुल्व्स ने ये दिखा दिया कि उन्होंने हमेशा लास्ट के 3-4 सीजन में टॉप हाफ में क्यों फिनिश किया है। तो बहुत ही अच्छा गेम था। आई थिंक वुल्व्स डू नॉट नीड टू गेट यू नो डिसअपॉइंटेड, दे गेव इट देयर बेस्ट। बट हाँ, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट हाफ का सिटी परफॉर्मेंस था, दैट्स अ वार्निंग साइन फॉर क्लब्स हु आर लुकिंग टू विन दिस टाइटल, स्पेशली फॉर लिवरपूल चेल्सी जो इस समय पे वुल्व्स के साथ साथ पक्के दावेदार लग रहे हैं। आई थिंक सिटी इज हियर एंड सिटी इज गोइंग टू विन। दिस वाज अ क्लासिक एग्जांपल of Arsenal's mental strength rather than their skills or capabilities, jisko hum log bolenge. And I think this game again was a game which could have gone either way. Ye game mein ye zaruri nahi tha ki Arsenal bahut acha khele, bahut dominant kiya to wo jeete, lekin West Ham bhi is game mein end tak bana hua tha. Aur agar jisne bhi ye game dekha hoga wo ye definitely kahega ki West Ham deserved something from this game. It was not a 2-1, lekin जैसे हम लोग बात करते हैं मिकेल आर्टेटा का एक इन्फ्लुएंस है कि एंड तक अपना मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसके बिहाफ पे आप कैसे गेम निकाल सकते हो, ये एक्चुअली एक चैंपियंस की निशानी है। और इसी वजह से इस गेम में ना विलियन इतना अच्छा खेला, ना उनके डिफेंस अच्छा खेले, ना उनके लेफ्ट बैक अच्छा खेले, कोई भी इस गेम में अपार्ट फ्रॉम सम फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस, सबाइलोस अच्छा गेम खेले, उनको वो था एंड में भी जो गोल हुआ, अगर आप वो गोल भी देखो तो इट जस्ट केम उस समय वेस्ट हैम वर प्रिपेयरिंग फॉर अ चेंज, एन अटैकिंग चेंज टू विन दैट गेम जब वो 1-1 था, और उसी टाइम पे वो गोल हो गया। तो आई मीन इस गेम में आई वोंट बी एबल टू रीड दैट मच, बिकॉज अगर आप वेस्ट हैम की भी बात देखो तो लास्ट के ऐसे 3 साल में आई थिंक ये दूसरी बार है कि वो पहले 2 गेम लगातार बुरी तरह हारे हैं। ये गेम बुरी तरह नहीं हारे लेकिन वो हारे हैं। तो वेस्ट हैम आर नोन टू बी स्लो स्टार्टर्स, एंड अगेन इट वाज अ टिपिकल डर्बी गेम जिसको हम लोग बात करते हैं कि लंदन डर्बी थी और गजब का गेम था, और एनीबॉडी कुड हैव वॉन बट आर्सेनल वॉन, सो कांग्रेचुलेशंस टू देम एंड ग्रेट मेंटल स्ट्रेंथ शोन बाय आर्सेनल। ऑन द सेकंड गेम भी 2-3 और गेम्स थे जो कि खेले गए थे, जिसमें वन ऑफ द हाइलाइट्स अगेन न्यूकासल यूनाइटेड लॉस्ट एट होम टू ब्राइटन 3-0। ब्राइटन ने चेल्सी के अगेंस्ट पहला गेम बहुत अच्छा खेला था, दे वर वेरी पॉजिटिव, डिफेंसिव मिस्टेक्स लॉस्ट कॉस्ट द गेम, बट आई थिंक ब्राइटन शोन ब्राइट इन दैट गेम एंड बीट न्यूकासल अवे फ्रॉम होम एट यू नो एंड 3-0, अ गुड गेम। देन वी ऑल्सो सॉ अ गेम ऑफ द प्रमोटेड क्लब्स लीड्स एंड फुलम, फिर से एक क्रिकेट मैच की तरह स्कोर हुआ 4-3। लीड्स तो 4-3 स्कोर के जो है वो मेरे को लग रहा है दीवाने बन गए हैं। मेरे को लगता है ये स्टैट अगर हम निकाल पाए तो 4-3 से 2 गेम में वो शरीक हो गए हैं पहले फर्स्ट 2 गेम वीक्स ऑफ द प्रीमियर लीग। मस्ट हैव बीन अ यूनिक यू नो स्टैट फॉर देम। गेम वीक 3 जो हमारा अगला गेम वीक है, तो उसमें ब्लॉकबस्टर गेम अगर हम जिसकी बात करें तो मे बी मैनचेस्टर सिटी वर्सेज लेस्टर एक बहुत बड़ा गेम है जो अच्छा रहेगा, और दूसरा गेम आपका लिवरपूल और आर्सेनल है। तो ये दो जो टॉप 6 क्लैशेस जो आप बोल सकते हैं, मे बी टॉप 7 क्लैशेस बोल सकते हैं, वो यही दोनों गेम्स का रहेगा। मेरे को ऑब्वियसली बीइंग अ लिवरपूल फैन ये बहुत मतलब एक आई एम जस्ट वेटिंग कि वो लिवरपूल आर्सेनल का गेम कैसा रहेगा, बिकॉज मैं ये चीज मानता हूँ और ये चीज में मुझे शायद थोड़ा सा डर भी है कि लिवरपूल को चेल्सी ज्यादा आर्सेनल टफ फाइट देगा, चाहे वो लिवरपूल के घर में गेम है, बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं आर्सेनल में वो कामनेस देख रही है उनके गेम में, तो वो लिवरपूल को डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं। और स्पर्स के लिए आई थिंक इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम अगेंस्ट न्यूकासल, इवन दो न्यूकासल प्लेड वेल इन द फर्स्ट गेम, आई बिलीव स्पर्स वो गेम जीतेगा। बात अगर मैं वापस करना चाहूँ कि मैन सिटी और लेस्टर में क्या रहेगा, आई थिंक मैन सिटी विल ऑल्सो गिव देम अ रियलिटी चेक, वो लेस्टर को एक अच्छा रियलिटी चेक देंगे
और मुझे लगता है कि ये गेम भी वो आसानी से निकाल सकते हैं। पर अगर कोई लीगली बेट करता और अगर मुझसे पूछे एक गेम जिसमें somebody wants to challenge and somebody wants to just you know trust their instinct, मेरी इंस्टिंक्ट कहती है वेस्ट ब्रॉम विल एक्चुअली नज चेल्सी इन दिस गेम। ये मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वेस्ट ब्रॉम ऑल्दो दे कंसीडर्ड गोल्स एंड यू सेड गिब्स रेड कार्ड वाज प्लेड अ मेजर रोल इन दैट लॉस, बट आई थिंक चेल्सी अवे एट वेस्ट ब्रॉम इज गोइंग टू बी अ टफ वन। आई कैन सी देम लूजिंग दिस गेम। चेल्सी फैंस मे नॉट लाइक मी फॉर दिस कमेंट। ये प्रेडिक्शन मैं सुनहरे अक्षरों में डालूंगा जरूर, ये मैं देखूंगा जरूर कि आपका ये कहां होता है। हम अगले हफ्ते आई थिंक वी कैन सी अ सिमिलर अपसेट एट ब्राइटन एज वेल बिकॉज़ The last game, Brighton were outstanding and Manchester United were shambolic, to say the least. So, are you saying two games in a row? I am not predicting Manchester United loss. So, ये मैं क्या ये समझूँ कि जो मेरा second from the bottom है वो चीज़ अभी तक सही रह रहा है? मैंने तो second बोला था, लेकिन ऐसे तो मैंने Liverpool को first बोला था, तो मैं इसके ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन देखिए, I still believe, I think these are early days, और early days में ये चीज़ हमेशा रहेगी कि कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, इस समय तो यही चलेगा। लेकिन जब ये सेटल होना शुरू होगा, then we would see some normalization happening, right? Then we will see all these big clubs pulling away and actually winning with a streak, और यही चीज़ चाहे यूनाइटेड ने last season की थी, जिस वजह से उन्हें चैम्पियंस लीग का स्पॉट मिला है। हम लोगों ने एक रैंकिंग सिस्टम भी इसमें हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें जिस जो जो अपने प्रेडिक्शंस के करीब था उसको उतने पॉइंट्स मिलेंगे, और वो एंड में आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अपना रैंकिंग सिस्टम भी देखेंगे कि हम तीनों में से कौन किस पोजीशन पे चल रहा है। और पिछले गेम वीक में सभी ने जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड को बोलता वो जीतेंगे, तो अगर हम में से कोई भी अगर आउटलायर होता उसमें तो शायद हम लोगों को वहाँ बहुत पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत एक्साइटिंग रहेगा, और हम लोग भी देखना चाहते हैं कि जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो कितना करीब था और कितना करीब रहेगा। और जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी सरप्राइज रिजल्ट्स की, चाहे वो वेस्ट ब्रॉम का रहेगा, मे बी वो ब्राइटन का रहेगा, वो तो हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मजेदार गेम वीक था, खुशी कई चीजों की बहुत हुई, कई चीजों की खुशी नहीं हुई। और मैं तो यही बोलूंगा कि अगले हफ्ते में और पिक्चर क्लियर होती रहेगी किसके क्या फॉर्म है और कौन कितना अच्छा खेल रहा है। लेकिन एंड में मैं फिर भी ये बात करूंगा कि क्राउड का ना होना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर डाल रहा है टीम्स को, तो वो ऐसा लग रहा है कि सारे गेम्स शायद न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहे हैं। पांच में से दस में से पांच गेम जो है अवे टीम जीती है पिछले गेम वीक में, और यू कैन सी दिस रिपीटिंग इन द गेम वीक थर्ड ऑल्सो। सो लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट इन द नेक्स्ट गेम वीक। एंड एज यू सेड, वी ऑल आर एक्साइटेड अबाउट दिस गेम वीक। एंड मुझे लगता है स्टैक रैंक करेंगे तो शायद मैं इस गेम वीक के प्रेडिक्शंस में सबसे आगे रहूंगा। बट आई नो रजत फेल्ट बैड अबाउट यूनाइटेड लूजिंग एंड वी ऑल लूजिंग दैट बेट, बट आई होप रजत हैज अ स्माइल ऑन हिज फेस एट द एंड ऑफ दिस वीक एंड हिज टीम कैन एक्चुअली विन अगेंस्ट ब्राइटन। एंड इंशाल्लाह हमारी टीम भी जो है वो आर्सेनल के अगेंस्ट जीत जाए, बट लेट्स सी व्हाट पैन्स आउट इन द नेक्स्ट गेम। तो जैसा कि आप दोनों ने बताया कि इस बार अवे मैचेस में भी पांच टीम जो हैं वो जीत कर आई हैं, तो आई थिंक एज अ फैन इट इज़ वेरी एनकरेजिंग फॉर अस, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि एक फ़ैन की क्या इंपॉर्टेंस होती है एक फुटबॉल मैच में। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस कि एक फैंस का जो रोल है वो डिफाइंड है और फुटबॉल उसके बिना अधूरा है। बट लेट्स प्रे दैट दिस पैंडमिक गेट्स ओवर एंड पीपल थ्रॉंग द स्टेडियम वंस अगेन। कमिंग बैक, एज हर्ष मेंशन्ड, वी आर गेटिंग lots of things for you to enjoy and you know get associated with, aur iske liye hum aapke liye fantasy premier league ke liye tips aur dream 11 football teams banane ke liye jo tips hain wo bhi samay samay par late rahenge taki aap in league mein aur hi acha perform kar sake aur kafi prizes jeet sake। Thank you, Vaibhav. Thank you, Rajat, for joining me in this wonderful episode of Sports Marvel.
और बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हम आशा करते हैं कि आगे भी आपके लिए इससे भी बढ़िया और बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस गेम वीक के लिए। आप सबको बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद।